बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, सुबह उठने के बाद एक अमल करना जो कि चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाएगा, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो मर्द हजरात के जिनके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, ख़ासकर उनके चेहरे के ऊपर दाने निकलते हैं, दाने भी जो बिल्कुल बारीक से होते हैं, फिर वो चेहरे पर दाग बनाकर छोड़ जाते हैं और चेहरा बिल्कुल बेकार सा लगता है और छाइयाँ बिल्कुल चेहरे पर छा जाती हैं। तो ऐसे में जो भी देखता है वो नफरत करता है, घिनसी जाहिर करता है और नफरत करने लगता है। तो ऐसे में इंसान की परेशानी, इंसान की मायूसी बहुत बढ़ जाती है, जिससे वो घर के अंदर कैद होकर रह जाता है। बस तो अल्लाह पाक के नाम हैं, आपने वो पढ़ने हैं, या खालिकु या मुसव्विरु या जमीलु, या खालिकु या मुसव्विरु या जमीलु, या खालिकु या मुसव्विरु या जमीलु, इनको पढ़ना है आप लोगों ने। बस पढ़ने का तरीका क्या है, सुबह जब आप उठेंगे, उठने के बाद वॉशरूम जाने से पहले पहले, यानी बिस्तर पर उठने के फौरी बाद, वहीं बैठे बैठे आपने ये अमल करना है। अमल क्या करना है कि वहीं बैठे बैठे आपने अल्लाह पाक के ये तीन नाम, इनको आपने तीन तीन मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर मल लेना है। फिर उसके बाद जाकर आपने आकुली करना है, वजू करना है, जो भी कुछ भी करना है वो बाद में करना है, उससे पहले आपने ये अमल करना है। इंशाल्लाह जैसे ही आप ये अमल करेंगे, तीन दिन के अंदर अंदर आपके चेहरे पर वाज़े फ़र्क नुमाया होगा, यानी बहुत फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे कि चेहरा तीन दिन पहले कैसा था और आज कैसा है, ये आप खुद महसूस करेंगे। इंशाल्लाह आपकी जो परेशानी होगी वो इस अमल के जरिए बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपके चेहरे पर जो भी दाग धब्बे फिंसी वगैरह हैं वो सब के सब इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और आपका चेहरा बिल्कुल ताज़ा और साफ और शफाफ हो जाएगा। जो भी आपको देखेगा वो दीवाना होकर रह जाएगा इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के चेहरों के साथ साथ हमारे दिलों को भी खूबसूरत और नज़र कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।